वेल हेलो एंड वेलकम टू ExpLaiNeD। तो दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करेंगे वो एक इंटर कंपनी क्रॉसओवर मिनी सीरीज़ है जो बेसिकली फोकस करती है बैटमैन, रॉबिन और बैट गर्ल के टीम अप को, जो कि होता है निंजा टर्टल्स के साथ गौतम सिटी को श्रेडर और रैशल गुल से बचाने के लिए। ये मूवी रिलीज़ हुई थी May 14, 2019 को। इस मूवी का टोटल रन टाइम है 84 मिनट्स, यानी कि 1 आवर 24 मिनट्स। ये मूवी पहली कोलैबोरेशन है वार्नर ब्रोस और निकलोडियन के बीच, और इस मूवी का रिव्यू बहुत ही पॉजिटिव था। फैंस ने बहुत पसंद किया इस मूवी को, जिसकी वजह से इसका टोटल कलेक्शन $3.8 मिलियन रहा। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी की। तो मूवी की शुरुआत में बारबरा गॉर्डन कुछ प्रोजेक्ट्स देखने के लिए जाती है पावर्स इंडस्ट्रियल, जहां उसके सामने चोरी होती है एक पावरफुल जनरेटर की। ये चोरी फुट क्लैन वाले करते हैं। इस दौरान बारबरा को कुछ अजीब से क्रिएचर्स दिखते हैं। बारबरा को लगता है कि वो मेटा ह्यूमंस है, जिसकी इन्फॉर्मेशन वो बैटमैन को देती है। बैटमैन फुट क्लैन वालों से वेन इंटरप्राइजेस में फाइट करता है, क्योंकि वो वहाँ क्लाउड सीडर चोरी करने आते हैं, पर बैटमैन फुट क्लैन के लीडर यानी कि श्रेडर से उसकी फाइट होती है और वो वहाँ हार जाता है। पर बैटमैन के हारने के बावजूद वो वहाँ से क्लाउड सीडर को नहीं ले जा पाते हैं। बैटमैन और श्रेडर के बीच जो फाइट हुई थी वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ जाएँ और फॉलो करें। बैट गर्ल ने जिन क्रिएचर्स के बारे में बैटमैन को बताया था वो एक्चुअली में निंजा टर्टल्स थे, जो गॉथम आते हैं श्रेडर को रोकने के लिए। वेन इंटरप्राइजेस को पेंगुइन से बचाने के बाद टर्टल्स को ये लगता है कि बैटमैन श्रेडर के साथ दे रहा है। टर्टल्स बैटमैन से मिलते हैं और उनके बीच फाइट होती है, क्योंकि दोनों को लगता है कि दोनों जो है एक दूसरे के साइड से श्रेडर का साथ दे रहे हैं। जब टर्टल्स बैटमैन से कॉम्बैट फाइट में हारने लगते हैं और हार जाने के बाद वो लोग अपने गटर में वापस आके बैटमैन से मिलने के लिए वो लोग डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद वो लोग बैटमैन का लोकेशन पता करते हैं, जिसके बाद वो बैटमैन के लोकेशन में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात रॉबिन से होती है और वहां उनकी थोड़ी बहस हो जाती है। बैटमैन और बैटगर्ल के आने के बाद जब टर्टल्स को पता चलता है कि वो दोनों एक ही मिशन पर काम कर रहे हैं श्रेडर को रोकने के लिए, तब वो लोग टीम अप करने के बारे में बात करते हैं और ये लोग एक टीम बन जाते हैं। तब रॉबिन उन सबको बताता है कि श्रेडर राशुल गुल के साथ मिल के काम कर रहा है, एंड दोनों का प्लान ये है कि वो पूरे गौतम सिटी के लोगों को म्यूटेंट्स में बदल देंगे, म्यूटाजन और जोकर के वेनम के मिक्सचर का यूज़ करके, जिसके लिए उन लोगों ने जो है पिछली पावरफुल जनरेटर और वेन इंटरप्राइजेस के क्लाउड सीडर को चोरी करने की कोशिश की थी। राज अल गुल और श्रेडर आर्कम असाइलम पहुंचते हैं ताकि वो जोकर से मेटाजिन एक्सचेंज करके जोकर के वेनम का फॉर्मूला ले सके। कमिश्नर गॉर्डन बैटमैन को इस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। आर्कम असाइलम पहुंचने के बाद बैटमैन और टर्टल्स को ये पता चलता है कि जोकर ने म्यूटाजन का इस्तेमाल करके खुद को और अपने सभी दोस्तों को पावरफुल क्रिएचर्स में बदल दिया है, जिसके बाद सभी हीरोज़ और विलन्स की फाइट शुरू हो जाती है। और पर मौका देखते ही जोकर बैटमैन पर म्यूटाजन इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद बैटमैन एक खतरनाक वैम्पायर में बदल जाता है और सभी पर हमला करने लगता है। पर किसी तरह जोकर को हराने के बाद बैटगर्ल बैटमैन और बाकी सभी विलन्स पर म्यूटाजन का क्योर इंजेक्ट कर देती है, जिसके बाद उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि श्रेडर और राज अल गुल वेन इंटरप्राइजेस के क्लाउड सीडर को चोरी कर सकें। बैट केव में बैटमैन के रिकवर हो जाने के बाद वो टर्टल्स को गौतम छोड़ के जाने के लिए कहता है, उनके इनएक्सपीरियंस बिहेवियर की वजह से। पर रैफल बैटमैन को कन्विंस करता है कि वो उन्हें उनके साथ जाने दे, जिसके बाद दोनों टीम्स मिलकर ये पता करते हैं कि रैचकुल और श्रेडर दोनों अपने मशीन को लॉन्च करने वाले हैं एस केमिकल प्लांट पर, जिसके बाद वो लोग फुट क्लैन और लीग ऑफ असैसिन्स के मेंबर्स को हराते हुए श्रेडर और राज अल गुल का सामना करने पहुंचते हैं। श्रेडर को देखने के बाद बैटमैन कहता है कि श्रेडर जो है वो मेरा शिकार है, जिसके बाद श्रेडर और बैटमैन की फाइट शुरू हो जाती है, और दूसरी तरफ रैफल राज अल गुल से फाइट करता है और बड़े ही चीप शॉट के साथ वो राज अल गुल को हरा भी देता है।
डोनाटेलो और माइकल एंजेलो मशीन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसके एक्टिवेट होने से पहले ही, और इसी के साथ हमारे हीरो श्रेडार और रैश अलगुल को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और एस केमिकल प्लांट को पूरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं, जिसके बाद श्रेडार एक जोकर के वेनम वाले टब में गिर जाता है। और मूवी के एंड में टर्टल्स को गौतम से जाने से पहले बैटमैन उन्हें एक पिज़्ज़ा ट्रीट देता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जिसमें ये दिखता है कि श्रेडार एक्सप्लोजन से बच जाता है, पर अब वो जोकर की तरह दिखने लगता है और जोकर की तरह हंसने भी लगता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जोकर वेनम वाले टब में गिर गया था। एंड आई होप कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी आए, क्योंकि ये मूवी काफ़ी अच्छी थी। और इसी के साथ ये मूवी ये वीडियो भी यहाँ ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना, और अपना सपोर्ट करने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो पर।